मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सिद्धार्थ शुक्ला से क्यों नफरत करते हैं पारस, गर्लफ्रेंड ने खोले राज। सिद्धार्थ और पारस को इतनी बुरी तरह लड़ते हुए देखकर कई दर्शकों के मन में ये सवाल है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से इन दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत है। पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों पारस और सिद्धार्थ एक दूसरे से इतना लड़ते हैं। आकांक्षा पुरी ने बताया, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि पारस सिद्धार्थ पर पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने भी मेरे और सिद्धार्थ के लिंकअप की खबरें सुनी हैं, ठीक वैसे ही पारस ने भी सुनी है, इसलिए पारस को सिद्धार्थ पहले से ही पसंद नहीं है। आकांक्षा ने आगे बताया, जब पारस बिग बॉस के लिए जा रहा था मैंने उससे कहा था कि या तो तुम और सिद्धार्थ शो में बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे या फिर तुम दोनों के बीच रिश्ते बदतर हो जाएंगे, अब दोस्ती होना तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। आकांक्षा ने कहा, एक टाइम ऐसा था जब पारस और मैं अलग हो गए थे, तब पारस पवित्र पुनिया के पास चला गया था लेकिन मैं सिंगल ही थी। उस समय मैं सिद्धार्थ शुक्ला के कॉन्टैक्ट में थी लेकिन हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया। हो सकता है कि लोगों ने हमें पब्लिक प्लेसेस में एक साथ देखा हो और हमारे अफेयर की बातें करने लगे हों। आकांक्षा ने कहा, सिद्धार्थ और मैं अभी भी एक दूसरे के टच में हैं, वो मेरे लिए हमेशा रहता है। हालांकि हम लोग अब मिलते नहीं हैं लेकिन सिद्धार्थ मेरे लिए स्पेशल थे और हमेशा स्पेशल ही रहेंगे। केबीसी में पहुंचे जेल सुपरिटेंडेंट। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को उनका अभी तक का सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट्स मिल गया है। केबीसी की हॉट सीट पर अजीत कुमार हैं, जो एक जेल सुपरिटेंडेंट हैं। अजीत कुमार ने अपने गेम से अमिताभ बच्चन को भी अपना मुरीद बना लिया है। इतना ही नहीं, अजीत शो में 50 लाख रुपए जीतने के बाद 1 करोड़ के सवाल तक जाने वाले हैं। जहां ज्यादातर कंटेस्टेंट्स के पास 1 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते लाइफलाइन नहीं बचती है, वहीं अजीत के पास उनकी लाइफलाइन बाकी है और वो 50-50 का इस्तेमाल भी करेंगे। अजीत के आत्मविश्वास और ज्ञान से अमिताभ बच्चन बहुत इंप्रेस हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। इसके अलावा अजीत कुमार अमिताभ बच्चन को अपने काम के बारे में बताएंगे। अजीत कुमार एक जेल सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने अपराधियों पर पढ़ाई की है। अजीत कुमार बच्चन को बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग जेलों का भ्रमण किया हुआ है, इससे उन्हें पता चला कि ज्यादातर अपराधी अपनी स्थितियों की वजह से अपराध करते हैं, दोस्ती और आवेग इसके कारण होते हैं। काम्या पंजाबी की शादी की प्लानिंग शुरू, वेडिंग डेट का नहीं किया खुलासा। काम्या पंजाबी बॉयफ्रेंड शलभ दांग संग रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। काम्या बॉयफ्रेंड संग फोटो शेयर करती रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने शलभ संग शादी करने को लेकर बातचीत की है। काम्या ने कहा, जब लोग मुझसे कहते हैं कि शलभ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत अच्छा है, उस वक्त मुझे लगता है एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं से तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ और सिंगल पेरेंट हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास कुछ कमी है या मैं अच्छी नहीं हूँ। जब काम्या से शादी के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वेडिंग डेट और किसी डिटेल के बारे में बताने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि शादी की प्लानिंग शुरू की गई है। शलभ संग रिलेशनशिप पर काम्या ने कहा, मैं उनके साथ खुश हूँ, उनके साथ जिंदगी अलग सी है। आईटी अवार्ड में हिस्सा लेने इंदौर रवाना हुई शिवानी जोशी। बीते दिनों ही टीवी के कलाकार इंदौर में हुए आईटी अवार्ड्स में हिस्सा लेने पहुंचे। पंखुड़ी मुंबई एयरपोर्ट के लिए कुछ इस अंदाज में रवाना हुई और उन्होंने गौतम रोड़े के साथ ढेर सारी तस्वीरें भी क्लिक करवाई। एयरपोर्ट जाते जाते पंखुड़ी ने तो अपने नए इयररिंग्स खूब फ्लॉन्ट किए। एयरपोर्ट पहुंचते ही ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को भी पंखुड़ी और गौतम के साथ देखा गया। फ्लाइट में बोर्डिंग करने के बाद सभी कलाकारों ने ढेर सारी सेल्फी क्लिक की। अवार्ड नाइट शुरू होने से पहले सभी कलाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करते हुए दिखे। आईटी अवार्ड्स में शिवांगी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दी और हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। पंखुड़ी को अपने परफॉर्मेंस का इंतजार करते हुए देखा गया। परफॉर्म करने जाने से पहले वो गौतम के साथ बैठी रही। हर अवार्ड फंक्शन की तरह यहाँ पर भी बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब शिवांगी जोशी ने ही झटक लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं ढोल नगाड़े पर भांगड़ा करेंगे शिवांगी जोशी और मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में जमकर धमाल मचने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक बेटे कैरव को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने के लिए जॉली सिंह बन गया है, तो वहीं आने वाले एपिसोड में नायरा का भी पंजाबी अवतार देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में कार्तिक और नायरा जमकर भांगड़ा करते हुए दिखने वाले हैं। अपने बेटे कैरव को इम्प्रेस करने के लिए कार्तिक ने ये नया गेटअप लिया है जिसमें नायरा भी उसका साथ देगी। दोनों मिलकर ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर धमाल मचाने वाले हैं, तो वहीं नायरा भी इस दौरान जमकर डांस करने वाली है। नायरा का ये डांस देखकर कार्तिक हक्का बक्का रह जाने वाले हैं। बांग्ला शॉर्ट फिल्मों की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग।
शोमू मित्रा की बांग्ला की दो शॉर्ट फिल्में चोर और पॉकेटमार और म्यूजिक वीडियो सुंदोरी कमला की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और उद्यमी शोमू मित्रा दो दशकों से ज्यादा समय से मनोरंजन उद्योग का हिस्सा हैं। उनकी फिल्म चोर ने कई समारोहों में स्क्रीनिंग की है, कई पुरस्कार जीते हैं। ये एक प्रमुख चैनल के माध्यम से रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का प्रीमियर 2018 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया था। ब्रिटेन के दो प्रसिद्ध फिल्म महोत्सवों में भी इसका प्रीमियर किया गया। बता दें कि फिल्म चोर में अभिनेता के रूप में शोमू मित्रा भी होंगे। उनके दूसरे प्रोजेक्ट पॉकेट मार ने भी कई पुरस्कार जीते हैं। इसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। दोनों फिल्में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती हैं, जिसे खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। उसने 3 हिट संगीत वीडियो का निर्देशन और निर्माण भी किया है। फिल्म झलकी के कलाकारों ने दिल्ली में किया फिल्म का प्रमोशन। डायरेक्टर ब्रह्मानंद एस सिंह के साथ झलकी फिल्म की स्टार कास्ट दिल्ली में अपनी बहुत जल्द रिलीज होने जा रही इस फिल्म का प्रचार करने पहुंची। नई दिल्ली के ली मैरिडन होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सूरी, दिव्या दत्ता, तनिष्ठा चटर्जी ने मीडिया के साथ बात की। ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी। उल्लेखनीय है कि ये फिल्म 9 साल की एक स्ट्रीट गर्ल झलकी के जीवन पर आधारित है, जो अपने 7 साल के भाई को बालदास्ता व्यापार के दलदल से निकालने का प्रयास करती है। सर्बिया की वादियों में शूटिंग करने पहुंची छोटी सरदारनी की टीम। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला टीवी शो छोटी सरदारनी इन दिनों अपने दिलचस्प कंटेंट के चलते दर्शकों को लुभा रहा है। टीवी शो के लीड स्टार अविनेश रेकी इस वक्त पूरी टीम के साथ सर्बिया में है। ये जानकारी उनके इंस्टाग्राम से हाथ लगी है। निमृति कौर आहलूवालिया इस टीवी शो की लीड एक्ट्रेस हैं, जो इस वक्त सर्बिया में हैं और सीरियल में सबसे ज्यादा दर्शकों का दिल चुराया है टीवी शो के चाइल्ड आर्टिस्ट केविना टक ने। इस टीवी शो में अविनेश रेखी सरदार जी के रोल में टीवी प्रेमियों के दिलों में छा गए हैं, तो वहीं टीवी शो की लीड एक्ट्रेस निमृत कौर भी जमकर अपनी एक्टिंग से सुर्खियां बटोर रही हैं। अविनेश ने इस दौरान अपने टीवी शो के राइटर रंजीव वर्मा के साथ भी फोटो क्लिक करवा डाली। इस दौरान टीवी स्टार निमृत कौर भी अपने टीवी शो की तैयारियों में जमकर लगी हुई हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।